कैसा होगा 2024 का साल उन लोगों के लिए जो किसी भी मंथ की 2nd, 11th, 20th और 29th को पैदा हुए हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए और इसके साथ साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है। छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन। नमस्कार, मैं हूँ सविता गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट एंड मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट। आज बात करते हैं नंबर दो वालों के लिए 2024 का ये साल कैसा रहने वाला है। देखिए, जो लोग भी 2nd, 11th, 20th एंड 29th को पैदा हुए हैं तो ये सारे के सारे लोग रूल हो रहे हैं प्लैनेट चंद्रमा से। तो सबसे पहले प्लैनेट चंद्रमा की एनर्जी को समझते हैं। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा माँ है, मन है। चंद्रमा, देखिए, चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। तो लोगों की लाइफ में बहुत मेंटली ये लोग इनस्टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा मूडी होते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इमोशनल होते हैं, दूसरों की केयर करने वाले होते हैं, इनके अंदर सेवा भाव होते हैं, पीछे रह के काम करने वाले लोग होते हैं, फ्रंट पे नहीं आते हैं। अब समझते हैं इस साल की एनर्जी। यूनिवर्सली ये शनि का साल है, यानी अगर आप 2024 को ऐड करते हैं तो 2+0+2+4 बन रहा है 8। शनि का साल। शनि क्या है? शनि की एनर्जी को समझते हैं। शनि वो स्कूल का हेड मास्टर है जो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, जो कहता है कि जैसे कर्म करोगे मैं वैसा ही रिजल्ट दूंगा। शनि डिसिप्लिन की बात करता है, शनि फोकस की बात करता है, शनि हार्डवर्क की बात करता है। तो आज बात करेंगे कि अगर शनि महाराज चंद्रमा के घर में आ गए हैं तो क्या होने वाला है। देखिए, चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है वाटर को और शनि रिप्रेजेंट करता है लोहे को। इनकी आपस में नहीं बनती ना, रस्ट लग जाता है। जब भी लगातार पानी लोहे पे गिरेगा तो रस्टिंग हो जाएगी, तो यानी लोहे की भी एनर्जी खराब हो जाएगी और पानी की एनर्जी भी खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं हेल्थ वाइज ये शनि का साल नंबर दो वालों के लिए रहने वाला कैसे है। पहले तो अनडायग्नोस्ड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, और जो अगर हेल्थ में कुछ इश्यूज पहले से चल रहे हैं तो उनके एग्रीवेट होने के चांसेस हैं। तो रेमेडियल पार्ट में क्या करें? आपको रेमेडियल पार्ट में मतलब मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब कुछ हो सकता है नंबर दो वालों को इस साल में। अब इसका क्या उपाय है? तो उपाय में आप प्राणायाम करें, योगा करें, मेडिटेशन करें और ओम का मेडिटेशन हर हाल में करें, क्योंकि ओम आपकी एनर्जीज को बैलेंस करने में आपकी हेल्प करेगा। अब बात करते हैं कि पैसे वाइज और बिजनेस वाइज या जॉब वाइज हमें क्या क्या ध्यान रखना है। देखिए, पार्टनरशिप में आपको धोखा मिलने के चांस है, तो इस साल अगर आप नया पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि वहां आपको धोखा मिलेगा। जिस जॉब प्लेस में आप हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको धोखा मिलने के चांसेस हैं। आपकी आपके बॉस के साथ अनबन हो सकती है, लोग आपकी पीठ के पीछे आपकी बुराइयां कर सकते हैं, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपको अपनी कामनेस बनाए रखना है, छोटी छोटी बातों को सुनकर अपने मन में एंजाइटी, फियर्स, फोबियास नहीं लाने हैं। शनि की एनर्जी को यूज करना शुरू कीजिए। कैसे यूज करना है? पहले तो लाइफ में डिसिप्लिन्ड हो जाइए। कोई भी रूटीन सेट करते हैं उसे डिसिप्लिन होके फॉलो कीजिए। अपना फोकस और कंसंट्रेशन, अगर एक काम कर रहे हैं तो पूरे ध्यान से उस काम को कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आप शनि हार्डवर्क के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि शनि हार्डवर्क मांगता है। तो आप चाहें तो रनिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो पार्क में जाकर कहीं ना कहीं ग्रीनरी से भी अटैच हो सकते हैं, क्योंकि मेंटली आपकी हीलिंग होने शुरू हो जाएगी। इस साल आपको आपके बहुत अच्छे दोस्त भी दुश्मन दिखेंगे, आपके साथ विश्वासघात हो सकता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा, बोलने से पहले सोचिएगा और लेट गो करना जरूर सीखना है आपको, क्योंकि अगर आप लेट गो नहीं करेंगे ना तो आप अपने लिए ही प्रॉब्लमेटिक होते जाएंगे। अब आप लोगों से मैं कहना चाहूंगी कि पैसे के वाइज थोड़ा सा ओके सा साल है। शुरू के कुछ महीने आपको ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगेंगे, लेकिन जून के बाद सिचुएशन आपको बेटर होती हुई दिखेगी। किन प्रोफेशंस में सक्सेस मिलने के चांसेस हैं इस साल नंबर दो वालों को? अगर आप एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं, अगर आप टीचिंग इंडस्ट्री में हैं, आपकी यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, आप रिसर्च में हैं, आप क्रिएटिव इंडस्ट्री जैसे कि आप पेंटिंग करते हो, आप इंटीरियर डिजाइनर हो, आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जहां क्रिएटिविटी, डांसिंग, सिंगिंग, यहां पे आपको आपके काम बनते हुए आप लोगों को दिखेंगे।
रेमेडियल तौर पे अगर मैं दो नंबर वालों को बोलूं कि ये साल कैसे अच्छे बना सकते हैं आप, तो पहली तो रेमेडी आपको ये है कि आप क्रिस्टल की माला पहनिए, चाहे क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनिए, देखिए मैंने भी पहना हुआ है, इससे आपका फोकस और कंसंट्रेशन बनेगा। दूसरा, आप ध्यान दीजिए कि आप हरे और पीले रंग का ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए, काला रंग बिल्कुल अवॉइड कीजिए, गहरा नीला रंग अवॉइड कीजिए, आपके लिए नहीं है ये इस साल तो बिल्कुल नहीं है। जितना गहरा रंग पहनेंगे उतना आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा नेगेटिव फीलिंग्स फील करेंगे, तो हल्के कलर्स का यूज कीजिए। और जो डेट्स का टोटल 8 आ रहा है ना, उन्हें भी अवॉइड कीजिए, जैसे कि 8, 17 और 26, इन डेट्स को बिल्कुल अवॉइड कीजिए क्योंकि ये आपके काम बनने नहीं देंगे। अब आपको और क्या करना है, आपको किसी ना किसी व्हाइट चीज का एवरी फ्राइडे आप डोनेशन करते रहिए। व्हाइट चीज क्या हो सकती है, आटा हो सकता है, चावल हो सकती है, व्हाइट मिठाई हो सकती है, रसगुल्ला हो सकता है, खीर हो सकता है, आप इनका डोनेशन करना शुरू कीजिए। देखिए मैं तो एक चीज में बिलीव करती हूँ, हम इस प्रिडिक्शन पार्ट को कर रहे हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो आपकी लाइफ में काम करता है वो आपका इनर सेल्फ करता है। अगर आप उस प्लेनेट की एनर्जी को समझ लेते हैं कि प्लेनेट आपसे क्या चाह रहा है और आप उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देते हैं ना, तो ओवरऑल साल पूरा अच्छा हो जाता है। तो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है थोड़ी सी ये साल हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हम शनि की एनर्जी से अपने आप को सिंक कर इस साल को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आप हार्डवर्क कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप सेवा भाव रखिए, चीजों को लेट गो करना शुरू कीजिए, अपने कर्मों को अच्छा रखिए, बस इतना ही कीजिए। फिर देखिए ये जाता हुआ 2024 आपको कितना खुश करके जाएगा, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, चारों डायरेक्शन से आपकी लाइफ में अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आएगी। थैंक यू सो मच।